क्या थर्ड पार्टी की वजह से आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता ख़राब हो गया है? क्या आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है और आपका एक अच्छा सा स्टेबल रिश्ता बिगड़ गया है? और आप जानना चाहते हैं क्या कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है और क्या कुछ इन लोगों को भुगतना पड़ेगा आपको तकलीफ़ देने का अंजाम? सो हेलो एवरीवन, मैं रितु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अगर आप लोग अपने लिए पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ग्रुप ज्वाइन करके भी आप अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। और ध्यान आपको ये रखना है, अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाते हैं तो पर्सनल रीडिंग्स पेड हैं। ओके, प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। ओके, और अगर आप लोग अपने लिए, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए अगर आप लोग क्रिस्टल्स बुक करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, ग्रुप का लिंक दिया है। ओके, और व्हाट्सएप के थ्रू आप अपने लिए क्रिस्टल्स बुक करवा सकते हैं, एनर्जाइज होकर के आप तक पहुँचेंगे। सो चलिए आज इस डेक से सबसे पहले हम कुछ जानेंगे आपकी एनर्जीज। कनेक्ट हो जाइए कार्ड्स के साथ, पॉजिटिव हो जाइए, लाइक कर दीजिए, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप करेंगे तो एनर्जी स्किप हो जाएंगी। आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके विशेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, एंड क्लेम कीजिएगा 111 बजरंगबली यूनिवर्स एंजल्स का थैंक यू कीजिएगा। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज एंजल्स बजरंगबली प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ है व्यूअर्स की लाइफ में। सो चलिए कुछ आपकी एनर्जीज़ को पहले हम कनेक्ट करेंगे, देखेंगे आपके साथ क्या हुआ है और आपकी एनर्जीज़ क्या बोल रही हैं, आपका क्या हाल अभी है। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, सबसे पहले आया है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि आई है। सी देखिए, आप में से ज़्यादातर परसेंटेज लोगों की ऐसी है जो कि अपने पार्टनर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप बहुत ज़्यादा लॉयल हैं अपने रिश्ते को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के आप बहुत ईमानदार हैं। आपको अपने पार्टनर की केयर करना, उसका ख्याल रखना, उसका ध्यान रखना, उसके लिए सब कुछ करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आप बहुत ही डेडिकेशन के साथ अपने इस रिश्ते को निभाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप जितना प्यार करते हो सामने वाले इंसान से, और वो प्यार बिल्कुल सेल्फलेस है। आप रिटर्न में बहुत कुछ चाहते नहीं हो, सिर्फ उसका प्यार, उसका साथ चाहते हो। ठीक है, आपकी एनर्जीज ऐसी आ रही हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड हो अपने रिलेशनशिप को लेकर के। आपको ऐसा लगता है कि खुशियाँ साथ रहने से होती हैं। ठीक है, अगर कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़े तो आप वो भी करने को तैयार हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि एक सक्सेसफुल जर्नी, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप प्यार और भरोसे के और दोस्ती के साथ चलता है। सो आप कहीं ना कहीं एक दोस्ती का रिश्ता भी रखते हो अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, और जो भी उनको ज़रूरत है आप हमेशा अवेलेबल रहे हो अपने पार्टनर के लिए। प्यार बहुत ज़्यादा है आपके दिल में इस रिलेशन को लेकर के। नेक्स्ट आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड। ओके, सो देखिए, आपके रिश्ते में जो भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट और एटीट्यूड वाली है या वाला है, जेंडर बायस रीडिंग नहीं है। सो ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, इसने आपको बहुत परेशान किया हुआ है और इसने पूरी तरीके से आपके पार्टनर को अपने काबू में करके रखा हुआ है। ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो इसको ऐसा लगता है कि जो ये बोले वो ही आपके पार्टनर को करना पड़ेगा। सो कहीं ना कहीं इसने एक प्रेशर, एक दबाव बना रखा है आपके पार्टनर के ऊपर, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। ये थर्ड पार्टी जो भी आपके पार्टनर को करने के लिए कहती है, आपके पार्टनर आग बंद करके करते चले जा रहे हैं। आपकी ना तो कोई सुनने को तैयार है, ना ही आपकी बात मानने को तैयार है, और ना ही किसी और की बात भी सुनने को रेडी है। 9 ऑफ स्वॉर्ड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि एरीज लियो सैजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि आ चुकी है। सो ये कार्ड ये बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, डिप्रेशन में हो। ये तकलीफ, ये दुख, ये धोखा आपसे झेला नहीं जा रहा है। आप बहुत मतलब आपकी लाइफ जैसे ना एक
सैडनेस से भर गई है, कहाँ आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते थे या बहुत ज़्यादा एक उम्मीदें आपने लगाई हुई थी इस रिलेशन के साथ, आप अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ये थर्ड पार्टी आने के बाद ये डिज़ास्टर हो गया है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पेन आपकी लाइफ में आ गया है, बहुत आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आप लूज़ कर चुके हो, आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे मिस्ट्रीज़ रखने लगे हैं, झूठ बोलने लगे हैं, और कहीं ना कहीं अब ये जो झूठ है, ये धोखा है, अब आपके बर्दाश्त के बाहर होता चला जा रहा है। आपने सब कुछ करके देख लिया बट अपने ही सामने रिश्ता ख़त्म होते हुए आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अपने ही पार्टनर को अपने हाथ से निकलता हुआ देख करके आप बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी हो रहे हो। ऑल ऑफ अ सडन इतनी चेंजेस आपके पार्टनर के अंदर आ चुके हैं कि वो आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स और एक अंधेरे में दिखाई दे रही है आपको ज़िंदगी। द सन, बहुत ही इनोसेंट है आपका लव, आपका प्यार बहुत इनोसेंट है, आपका भरोसा बहुत इनोसेंट है, आपको आपने बहुत ही इनोसेंस के साथ एक उम्मीद के साथ इस पर्सन को प्यार किया था। और यहाँ द सन का कार्ड यही बता रहा है कि आपने हर एक दिन को, हर एक पल को इस पर्सन के साथ बहुत ही खुशी के साथ जिया है, और आपका जो लव है इसके लिए ये बहुत ही प्योर लव है। ठीक है, कोई तेज़, कोई चालूपंती, कोई पॉलिटिक्स या कोई भी ड्रामेबाजी नहीं है, आपका जो प्योर लव है इस पर्सन को लेकर के वो ही आपको आज बहुत ज़्यादा दुखी कर रहा है कि आपने अपनी तरफ से सेल्फलेस लव किया, प्योर लव किया, और वहीं पर इस पर्सन ने आपको धोखा दे दिया किसी और की वजह से, तो वो चीज़ें आपकी बर्दाश्त के बाहर हैं। एम्परर का कार्ड आया है, प्रोमिनेंटली मेष राशि, एरीज राशि निकल करके आ चुकी है। यहाँ पर देखिए आपके पार्टनर ना कुछ ज़्यादा ही आपको परेशान करने लगे हैं, एरोगेंसी दिखाने लगे हैं, एटीट्यूड में आ चुके हैं, और कई बार ना ये डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं, मतलब अगर आपने उस पर्सन का नाम भी ले दिया ना तो ये चीखने चिल्लाने लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि भाई ये तरीके का तो कभी इस पर्सन का बिहेवियर रहा ही नहीं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप क्लियर तो करोगे, पूछोगे तो सही, लेकिन आपके पार्टनर को वो चीज़ भी बर्दाश्त नहीं होती है। सो जैसे भी आप इस चीज़ को डिस्कस करने की कोशिश करते हो, आपके पार्टनर वहाँ पर ईगो, एरोगेंसी और एटीट्यूड दिखाने लग जाते हैं। वही चीज़ अभी आपको कहीं ना कहीं डाउट और आपका बढ़ा देती है कि आपके पार्टनर का बिहेवियर ये जो चेंज हुआ है ये थर्ड पार्टी की वजह से, ये कभी ठीक होगा भी कि नहीं होगा। टॉक्सिक हो गया है आपका रिश्ता, आपको डर लगने लगा है कि आपका पर्सन आपको छोड़ के चले जाएगा, या फिर ऑलरेडी आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी से जा चुका है, तो ये चीज़ें ऑब्वियसली आपकी लाइफ में एक ग्रहण जैसे बन के रह गई है। आपकी लाइफ में ना ही कोई खुशियां दिखाई दे रही है, ना ही कोई उम्मीद अभी आपको दिख रही है। आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे करके आपको छोड़ करके चला गया है या जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप नहीं चाहते हो कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से जाए, आप नहीं चाहते हो रिश्ता कभी भी ख़राब हो। आप में से कई लोग रीयूनियन चाहते हैं तो ज़रूर लिखेगा रीयूनियन, लेकिन आप लोग अगर चाहते हैं कि इस पर्सन को और इस थर्ड पार्टी को आपको रुलाने का, तकलीफ़ देने का कर्मा मिले, तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा कर्मा, बिकॉज आपके जो तकलीफ़ यहाँ पर है वो आप अभी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। आप में से कई लोग कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा कर्मा, बिकॉज ये जो उनके जाने का दर्द और घबराहट और एक टेंशन आपकी ज़िंदगी में है, वहाँ कहीं ना कहीं आप जो इतने प्राउड हुआ करते थे, आप इतने भरोसे के साथ अपने रिश्ते की बात किया करते थे, लोगों से डिस्कस किया करते थे, और जो एक भरोसा आपका था इस पर्सन के ऊपर, इस रिश्ते के ऊपर एक प्रॉमिस था आपका, वही चीज़ आपके पर्सन ने ख़राब की है, और जो ये शुरुआत इतनी अच्छी हुई थी एंड बहुत ही ज़्यादा बुरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो ये चीज़ें डेफिनेटली आपको बहुत तोड़ के रख दिया है आपको, और अब आप जानना चाहते हैं कि क्या कर्मा मिलने वाला है या कैसी चल रही है इन लोगों की ज़िंदगी, तो ज़रूर यहाँ पर बने रहिएगा वीडियो में। ओके, और ज़रूर ज़रूर क्लेम करते जाइए 111, छोड़ना नहीं है, क्लेम करते जाइए 111। अगर आप कर्मा चाहते हैं कर्मा ज़रूर लिखेगा, और रीयूनियन चाहते हैं तो रीयूनियन ज़रूर लिखेगा। सो डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या है व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी इस थर्ड पार्टी के साथ, क्या आ रही है। फर्स्ट कार्ड आया है एम्प्रेस का कार्ड। ओके, सो ये जो थर्ड पार्टी है इसने आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। एम्प्रेस का कार्ड यही बता रहा है कि इसने हर तरीके के पैतरे अपना लिए आपके पार्टनर को अपने पास रखने के, चाहे वो कोई भी तरीके का अट्रैक्शन हो, राइट। सो इस थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा दिमाग लगा करके, बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, राइट। और आपके पार्टनर ने भी बिना सोचे समझे इसकी तरफ खींचे चले गए हैं। सो ये जो थर्ड पार्टी
यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये एम्प्रेस के मोड में दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ही ज़्यादा अपनी ग्रोथ के बारे में सोचती है, ये खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है। और इसको लोगों को कंट्रोल करना, अपने काबू में करना, इस इंसान को, इस पर्सन को, इस थर्ड पार्टी को बहुत ही अच्छे से आता है, जिसके झांसे में आपके पार्टनर फंस गए हैं। द हेरोफेंट का कार्ड आया है। सो देखिए, इस थर्ड पार्टी का मोटिव यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपके पार्टनर को कोई ना कोई किसी ना किसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर रही है, और आपको अलग करा करके, आपकी ज़िंदगी बर्बाद करके, आपको अपने पार्टनर से छीन करके ये बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही है। और आपके पार्टनर को इसने सीढ़ी बनाया है अपनी ग्रोथ के लिए, अपने प्लानिंग्स के लिए, या अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए, स्टेबल करने के लिए। सो कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ अपनी लाइफ को सेटल करना चाहती है। बहुत ज़्यादा उम्मीदें इसने आपके पार्टनर के साथ लगा ली हैं और एक सीढ़ी की तरह आपके पार्टनर को यूज़ कर रही है। सेवन ऑफ कप्स, देखिए यहाँ साफ क्लियर हो गया है कि ये जो थर्ड पार्टी है इसके इरादे बहुत बड़े बड़े हैं, इसके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, और इन सपनों को पूरा करने के लिए इसको पैसों की ज़रूरत है, आपके पार्टनर के साथ की ज़रूरत है। सो जैसे भी आपके पार्टनर इसको सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, इमोशनल सपोर्ट कर रहे हैं, फिजिकल सपोर्ट कर रहे हैं, वो चीज़ों की अभी इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट? जिसकी वजह से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पार्टनर की लाइफ में और कोई है या नहीं है। सो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। जहाँ आपका प्यार सेल्फलेस था, वहाँ पर इसका सेल्फिश रीज़न है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अभी मैं देख पा रही हूँ कि सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, कई चीज़ों को लेकर भी उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आँख पे पट्टी बांध दी थी थर्ड पार्टी ने, और सच्चाई नहीं देख पाई ये थर्ड पार्टी की, इसकी मंशा नहीं समझ पाए, इसके इरादे नहीं समझ पाए, और आपको छोड़ करके, आपको धोखा दे करके, आपको अकेला करके ये थर्ड पार्टी के साथ आ गए हैं। सो कई बातों को लेकर के आपके पार्टनर ब्रोकन और कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो फाइव ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आ गई है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि आ गई है, राशियां सारी यहां पर आ चुकी हैं। फाइव ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड देखो यही बता रहा है कि अब आपके पार्टनर का इस थर्ड पार्टी के साथ दम बहुत ज़्यादा घुटता चला जा रहा है और बहुत परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट? ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ फिजिकल हेल्थ आपके पार्टनर को ज़रूर हो रही है, ठीक है, कुछ मेंटल स्ट्रेस आपके पार्टनर को होने लगा है थर्ड पार्टी के साथ। ओके, और यहाँ पर आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा एक कंफ्यूज मोड में और पेनफुल मोड में दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको कर्मा मिल रहा है आपको दुख देने का, आपको तकलीफ़ देने का, और वही चीज़ अब इनको समझ में आ रही है। बहुत ट्रबल से गुजर रही है इनकी लाइफ और बहुत चीज़ों को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ भी चल रहे हैं आपके पार्टनर के, और अभी धीरे धीरे करके आपके पार्टनर ये चीज़ समझ पा रहे हैं थर्ड पार्टी की मंशा, थर्ड पार्टी के इरादे, बिकॉज़ यहाँ कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक है, ठीक है, जहाँ आपके पार्टनर के अंदर ईगो भरा हुआ था जब वो आपके साथ थे, आपके सुन नहीं रहे थे, वहीं पर ये कर्मा मिल रहा है, जैसे को तैसा मिल रहा है। सो यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक और घमंडी दिखाई दे रही है। इसको अपनी चीज़ों के आगे, अपनी बातों के सामने, अपने खुशियों के सामने इसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। सो ये सब कुछ करने को तैयार है, इसको सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशियों से ही मतलब है, जिसके लिए इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है। और डेफिनेटली यहाँ पर आपके पार्टनर चीज़ों को लेकर के समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। एट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि आपके पार्टनर बहुत जल्द इस लाइफ से, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलने वाले हैं, या तो ये खुद इस सिचुएशन से निकल जाएंगे या फिर इस थर्ड पार्टी को ही अपनी लाइफ से निकाल के बाहर फेंकने वाले हैं। सो एट ऑफ कप्स का कार्ड है, सो कर्मा का कार्ड है, डेफिनेटली कार्मिक्स इनकी तरफ आ रहे हैं और इन दोनों के रिश्ते दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से दूर होते हुए और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से दूर होते हुए दिखाई दे रही है, राइट? सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग, ये थे आज के कार्ड्स। सो आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो अगर हाँ तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, करंट फीलिंग्स उनकी, तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून डायरा 2190, वहाँ जाकर के आप और वीडियोस को देख सकते हैं। क्लेम करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। 111 इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक, सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, फटाफट से लिंक्स को क्लिक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियोज़ को देख लीजिए। सो चलिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।